इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूआरएल के बारे में। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल कैसे काम करता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ओ लेवल, ई लेवल, बीसी एग्जाम में पूछा जाता है इंटरनेट से रिलेटेड। यूआरएल का मतलब ये समझ लीजिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक ऐसा एड्रेस जो हमें किसी डेस्टिनेशन पर मूव कराता है। जैसे आप कह सकते हो कि जब कोई अगर कोई फॉर्म आता है गवर्नमेंट सर्विस का, तो आप उस चीज को सर्च नहीं कर पाते हो, आपका फ्रेंड आपको बताता है कि ये कोई फॉर्म निकला है, ठीक है, तो आप बोलते हो कि प्लीज लिंक शेयर कर दीजिए, ये आप कहते हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे चाहे कोई भी माध्यम से एड्रेस बार पर जाकर के उस लिंक को वो शेयर कर देते हैं, यानी उस पेज को ही शेयर कर देते हैं। आपके पास वो लिंक आता है कंप्लीट एड्रेस, आप उस पर क्लिक करते हो और उसी ठीक उसी पेज चले जाते हो। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो होता है यही यूआरएल। अब जो एग्जाम में लिखेंगे, तो जो मैंने अभी बताया इस चीज को भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब यहां देखते हैं थोड़ा कुछ डेफिनेशन, मतलब इट इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट, ठीक है, ये किसी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है। और पर्टिकुलर इमेज, इमेज फाइल का भी हो सकता है, कोई हम तस्वीर भी शेयर करते हैं, कोई वेबसाइट का पेज भी हो सकता है, ठीक है। द वेबसाइट एक्सेस बाय द यूआरएल, कोई भी वेबसाइट एक्सेस किया जाता है यूआरएल के माध्यम से। आप ये भी तो हम ये भी तो काम करते हैं, कोई भी ब्राउजर ऑन करते हैं, ब्राउजर मतलब गूगल क्रोम, ओपेरा, यूसी ब्राउजर, इंटरनेट होता है हमारे पास, हम एड्रेस बार में जाते हैं, एड्रेस बार में टाइप करते हैं ना कुछ भी टाइप, जैसे हमें अगर BHU को ही सर्च करना है, ठीक है, sarkaririzalt.com को ही ओपन करना है, तो हम लिखते हैं ना www.sarkaririzalt.com, ठीक है, तो एग्जैक्ट उसी पेज पर हम पहुंचते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम केवल एड्रेस बार पर जाकर के लिख देते हैं सरकारी रिजल्ट, तो सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड कई सारे वेबसाइट हैं, हमें गूगल के फॉर्मेट में खोल के दे देता है कि लीजिए आप इसमें सर्च करिए। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम वहीं पर लिख दे www.sarkaririzalt.com, जैसे उस पर एड्रेस बार पर लिखेंगे हम, ठीक है, वो हमें क्या करेगा, एकदम ठीक उसी पेज पर भेज देगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। इंटरनेट यूजर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द वर्ल्ड यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड अल्फाबेट एंड expect to be able to create URL in their own local alphabet। मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट यूजर होते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो इंग्लिश से होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग अल्फाबेट इस्तेमाल किए जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है, उससे URL क्रिएट किए जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ यू आर एल, आप एग्जाम में लिखिए, लिखना मत भूलिएगा, कोई भी एक वेबसाइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो HTTP होता है, यहाँ पर आप इसको अलग अलग सेपरेट भी लिखेंगे, कोलन होता है, डबल स्लैश होता है, ये बात समझ रही है। www. ये क्या प्रोटोकॉल है, और ये आपको दिख रहा है MGKVP, ये इंस्टीट्यूशन नेम है, AC मतलब अकेडमिक संस्था है कोई, ठीक है, ये डोमेन है। .in आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। index.php मतलब आप चाहते हो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पेज के डायरेक्टली होम पेज पे जाना है, ठीक है, तो ये पेज का नाम आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको .php दिखाई दे रहा है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लिखा गया कोड है। मतलब कह सकते हैं जैसे PHP है, HTML है, ठीक है, JavaScript है। क्या होता है कि इन पे वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है, वेबसाइट को डिजाइन किया जाएगा, वही बताता है यहाँ पर किसी पेज के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को आप भूलिएगा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, एब्सोल्यूट इसका टाइप कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल, दोनों में फर्क क्या होता है आप ये समझेंगे। इट इज द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, फिक्स मतलब वही वाला एड्रेस। वी कैन क्लिक एंड मूव टू एब्सोल्यूट पेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको पेटीएम एक आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बहुत परेशान हो गए। एग्जाम्पल ये जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल को आप हिंदी या इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग करनी है। जैसे कि हमें पेमेंट करना है किसी यूजर को, ठीक है, तो हमें मालूम नहीं चल रहा है, तो हमने किसी से पूछा कि हमें पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करें, ठीक है, क्योंकि पेटीएम कुछ हमें डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए किसी व्यक्ति ने क्या किया, पेटीएम ऑन किया साइट और हमें लिंक शेयर कर दिया। हम एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, अलग मेथड है, ठीक है, हमें यहाँ समझना है वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसने क्या किया,
पेटीएम का पेटीएम साइट ओपन किया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक किया तो वो पेज खुल गया। और जैसे ही वो खुला, उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने लिंक को कॉपी करके हमें यहाँ पे क्या किया, हमें शेयर कर दिया। ये बात समझ रही है? अब जैसे शेयर हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, http://paytm.com यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी वाले पेज पर जाना है, ये बात समझ रही है, बिल का बिल पेमेंट करना है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, क्योंकि वहां पे कई टाइप का रिचार्ज होता है ना, पेमेंट होता है, जैसे गैस का बुकिंग होता है, प्रीपेड पोस्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलग अलग शॉपिंग मॉल है पूरा, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना है, केवल बिल पेमेंट करना है। तो उस व्यक्ति ने हमें क्या किया, एक लिंक शेयर कर दिया और उसको क्लिक करके हम उसी वेबसाइट पे एग्जैक्ट जाएंगे और वहां पे हम पेमेंट कर देंगे। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव एड्रेस क्या होता है। रिलेटिव एड्रेस मतलब जैसे कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं HTML में, ठीक है, या विजुअल बेसिक में बनाते हैं, तो उसमें जब हम किसी पेज को, किसी अलग पेज को किसी सिंपल टेक्स्ट से जोड़ते हैं, कहने का मतलब ये आपको जो होम आपको दिखाई दे रहा है ये एक सिंपल टेक्स्ट है, इस पर हम चाहते हैं कोई एक पेज हमने ऑलरेडी बनाया है उसको इससे जोड़ना, कि जब हम इस पे क्लिक करें होम पे, किसी वेबसाइट पर, वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं, वेबसाइट में अलग अलग मेनू होंगे, होम होगा, ठीक है, होम के बाद क्या होता है, गैलरी भी होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट होता है, अबाउट होता है, हम किसी भी पेज पे काम कर रहे हैं, जब हम होम पे क्लिक करें तो हमें तुरंत होम वाले पेज भेजे, ये बात समझ आ रही है। इसे कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं एंकर टैग, ए फॉर एंकर टैग, जो आपको HREF दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है, इज इक्वल टू, हमने किया डबल कोट करके उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज में होम का कोडिंग किया गया होता है, ठीक है, और इसको सिंपल टेक्स्ट हम लिख देते हैं ताकि इस पे क्लिक करें तो हमें इस पेज पे जंप करा दे, फिर एंकर टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कह सकते हैं कि रिलेटिव यूआरएल रिप्रेजेंट टू पर्टिकुलर अटैचमेंट लाइक वेब पेज इमेज पीडीएफ फाइल इन टू HTML प्रोग्राम, ठीक है, मतलब जो यूआरएल रिप्रेजेंट करता है किसी को, किसी वेब पेज को, यहाँ पे हम तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोई पीडीएफ फाइल भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको मजेदार लगा हो, अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आप ओलेवल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें, वहां पे आपको अलग अलग आंसर राइटिंग मिलेगा।